आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत उन टॉप 5 देशों में शामिल है जहां के कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने का सबसे कम मौका मिलता है। काम के बोझ से थक जाने के बाद वेकेशन पर जाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत पर दुनिया में छुट्टियों के मामले में 5वां सबसे वंचित देश है, यानी कि यहाँ के लोग सबसे कम छुट्टियां लेते हैं। और ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी द्वारा कराए गए सर्वे में ये पता चला है कि 42% भारतीय अपने वर्क स्केड्यूल की वजह से घूमने के लिए छुट्टियां नहीं ले पाते। भारत में आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो छुट्टी मांगने के लिए बहानों की लिस्ट अपने दिमाग में तैयार रखते हैं। तबीयत खराब होने वाले सामान्य से बहाने लेकर भतीजे का मुंडन और रिश्तेदारों की शादी बहुत कुछ है। बस बॉस के मूड और आसपास का माहौल देखकर कब कौन बहाना काम करेगा ये तय करना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय छुट्टी लेने में बहुत पीछे हैं। काम के दबाव को लेकर काम में बने रहने की चिंता ने कर्मचारियों को छुट्टी से बहुत दूर कर रखा है। ये चौंकने की नहीं, चिंतन करने की बात है, क्योंकि आपका बिना छुट्टी के काम करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि सारे फ्रेंड्स वीकेंड पे एंजॉय करने जाते हैं, हम काम में लगे रहते हैं उस टाइम भी। कंपनी के लिए प्रोड्यूस करते रहो काम, दैट्स इट। यू डोंट नीड दिस टाइम फॉर योरसेल्फ और योर फैमिली। लंबे समय तक काम से छुट्टी न लेने से आप अपने बॉस को तो इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका बुरा अंजाम आपके शरीर पर ही पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक बिना छुट्टी घंटों ऑफिस में काम करने की वजह से आपको बर्नआउट सिंड्रोम हो सकता है, यानी काम बोझ लगने लगेगा और आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं बर्नआउट, जो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी को खराब करते हैं, उसके साथ साथ उनका साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग भी खराब हो जाते हैं। उनकी डिप्रेशन हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाते हैं और चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और फिर काम में जब आते हैं वो चीज़ उनकी काम को भी खराब करते हैं एंड प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। भारत के लोगों में छुट्टी न लेने वाली आदत पर हुए सर्वे के मुताबिक जो कर्मचारी तय छुट्टी नहीं लेते उनका दिमाग धीमी गति से काम करता है, जिसका सीधा असर उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कार्य कुशलता पर पड़ता है। अगर आप लंबे वक्त तक काम से छुट्टी नहीं लेते तो आपको नींद न आने की शिकायत रहेगी और याददाश्त कमजोर हो सकती है। अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर उनको ब्रेक मिले, चाहे वो आप हॉलीडे बोल दीजिए या कहीं और आउटिंग बोल लीजिए, तो ऐसे केस में जो भी स्ट्रेस होता है वो कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ हो जाता है तो ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है। फिर जब आप लौट कर आते हो अपने हॉलीडे से तो आप इफेक्टिवली काम कर पाते हो उसी चीज को। काम से लिया गया छोटा सा एक ब्रेक आपकी काबिलियत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नोएडा में रहने वाले शेखर परिवार का ये निजी अनुभव है कि ब्रेक लेने के बाद काम करने में आसानी होती है। शेखर और उनकी पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं। कभी बॉस के डर तो कभी नौकरी जाने के डर से शेखर साल में एक ही बार ब्रेक लेते थे, लेकिन काम पर पड़ते बुरे असर के बाद उन्होंने अपना ये नजरिया बदल दिया और इसका फर्क उन्हें दिखाई भी देने लगा है। अगर आप छुट्टियां नहीं लेते तो आपका दिमाग स्लो हो जाता है, लेकिन अगर आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपका दिमाग जो है तेज काम करता है। आपके साथ क्या स्थिति है? साल में कम से कम भी 3-4 वेकेशन प्लान करता हूं। ठीक है, और वेकेशन से लौटने के बाद जो मेरा जो परफॉर्म मतलब जो भी मैं काम करता हूँ ऑफिस में एकदम फ्री माइंड से करता हूँ। अगर आपने अपना माइंड को इतना रेस्ट दे दिया 10-15 डेज का, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप लौटोगे तो आपको माइंड काम करेगा। तो मतलब आप जब लौटोगे तो आपको एक होता है फील गुड फैक्टर, वो आता है। आपको सिर्फ एकदम नई लगती है जहाँ बैठे हो आप वर्कस्टेशन में, सब कुछ आपको नया लगता है, एकदम नया फील होता है, आपको लगता है कि मैं सब कुछ काम अपना जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। पीपल डू नॉट टेक लीव्स बिकॉज इट इज नेसेसरी, दे टेक लीव्स व्हेन इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ यू नो लाइफ एंड डेथ या फिर कुछ अनएस्केपेबल सिचुएशन हो गई है। छुट्टी मांगने में संकोच होने के अलावा बॉस को नाराज करने का डर भी लोगों को हॉलीडे से दूर कर देता है। इसके अलावा कई लोगों को इस बात की भी चिंता है कि छुट्टी लेकर करेंगे क्या, यानी छुट्टियों को मैनेज कैसे किया जाए। इंडिया का मैं आपको एग्जांपल दूं, कई एयरलाइंस का और कई कंपनियों का, 1 मई की छुट्टी होती है नेशनल डे, ठीक है ना, लोगों ने 30th की छुट्टी कर दी है मंडे की बजाय ट्यूसडे की छुट्टी करने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे लोगों को मिल गया। तो इसीलिए करी है और बहुत कंपनियों ने करी है, आईटी की जितनी कंपनी है
उन्होंने करी है, हमारे भी दो तीन दफ्तरों में ऐसा हुआ है, सो दैट पीपल कैन गो ऑन अ लॉन्ग वीकेंड।